नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्शन न्यूज में। आज हमारे साथ है उत्तर मध्य मुंबई जिला इंडिया अलायंस के कैंडिडेट वर्षा ताई गायकवाड़। ताई स्वागत है आपका दैनिक कैप्शन न्यूज में। ताई क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी है इलेक्शन को लेकर? देखिए, बिल्कुल जनता के बीच में जाएंगे, जाके लोगों को कहेंगे कि इस बार की लड़ाई देश के लिए लड़ाई है, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है और देश की लोकशाही को बचाने के लिए। तो सब साथ में आए, साथ में मिलके सब लोग एक दूसरे को ताकत देंगे और आने वाले वक्त में जो है वो उत्तर मध्य मुंबई की जनता तक जो है मैं चाहूँगी कि वो मुझे अपना आशीर्वाद दे, अपना प्यार दे। मैं काम करने वाली लड़की हूँ और आपको पता है कि चाहे वो मतदार संघ के सवाल हो उसको भी मैं बिल्कुल न्याय देने तक लोगों के साथ खड़े रहूँगी। लोगों में एक उत्साह दिख रहा है, जैसे कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस में, जैसे आपको टिकट देने के बाद लोगों में एक उत्साह है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, एक महिला को सपोर्ट कर रहे हैं, बहन बोल के, बेटी बोल के, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और जिस तरह से हमारी विचारधारा रही है, कांग्रेस के एकनिष्ठ की विचारधारा रही है और महाविकास आघाड़ी के माध्यम से जो चल रहा है काम, उसको भी लोग सराह रहे हैं। और आज देश और राज्य की जो परिस्थिति है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र की राजनीति को जिस तरह से कलंकित करने का काम हुआ है, एक नहीं दो पार्टियों को तोड़ा गया, उसके बाद जो है वो सरकारें बनी गई, सरकारें को करने का काम चल रहा है, वो लोगों को कहीं ना कहीं पसंद नहीं है। और मैं समझती हूँ कि इसीलिए जो लोग हैं वो महाराष्ट्र के जो है वो इस देश के संविधान के लिए, लोकशाही के लिए और जो महाराष्ट्र की राजनीति को नीचे लाने का काम किया है उसके लिए साथ में मिलकर काम करेंगे। जैसे नसीम जी ने नाराजगी जताई थी जो इलेक्शन को लेके, जो मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया गया कांग्रेस की तरफ से, तो उस पर क्या कहेंगे? आपका मीटिंग भी हुआ था कल? मैं उनके पास गई थी, मैंने उनको कहा था कि मैं अपनी छोटी बहन हूँ और बड़ी बहन करके आप मुझे मदद कीजिए, बड़ी भाई बोल के आप मुझे मदद कीजिए और मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मैंने उनसे कहा। तो मैं कल उनसे मिलकर, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उनकी मेरे से तो कोई नाराजगी नहीं है। धन्यवाद।